हेलो फ्रेंड्स, आई एम रामकृष्णा चार्ली। आज हम बात करेंगे फ्लैग की। फ्लैग है क्या? ओके, फ्लैग सबसे पहले हम फ्लैग की डेफिनेशंस को पढ़ते हैं। इफ फ्लैग इज ए फ्लिप फ्लॉप, इट इंडिकेट सम कंडीशन प्रोसीड बाय द एग्जीक्यूशन ऑफ एन इंस्ट्रक्शन। ओके, फ्लिप फ्लॉप काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। रजिस्टर की हम बात करें तो ये इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। ओके, अब नेक्स्ट है हमारा टाइप ऑफ फ्लैग। हमारे फ्लैग्स कितने टाइप्स के होते हैं हम पढ़ेंगे। ओके, तो ये टाइप्स ऑफ फ्लैग है। सबसे पहले हम बात करते हैं, ये फ्लैग रजिस्टर हमारा 16 बिट का है। ओके, सबसे पहले हमारा होता है कैरी फ्लैग, प्रिटी फ्लैग, एक्सिलरी फ्लैग, जीरो फ्लैग, साइन फ्लैग, ट्रैप फ्लैग, इंटरप्ट फ्लैग, डायरेक्शन फ्लैग, ओवरफ्लो। ओके, इस तरीके से हम फ्लैग को डिफाइन करते हैं। सबसे पहले हमारा सी एफ, फिर यू। यू स्टैंड फॉर अनडिफाइंड। ओके, यू स्टैंड फॉर अनडिफाइंड। ओके, ये मैं इसको इंडिकेट कर देता हूँ येलो से, और इसको भी मैं येलो से इंडिकेट कर देता हूँ। ओके, अनडिफाइंड। अब हम बात करते हैं कैरी फ्लैग की। कैरी फ्लैग होता क्या है? मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। ओके, और फिर मैं यहाँ लिख देता हूँ और हम वन बाई वन एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले हमारा कैरी फ्लैग होता क्या है, मैं बात करता हूँ। मेरे पास कोई वैल्यू है वन 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 वन, 16 बिट रजिस्टर है, होना चाहिए मेरे पास। ओके, फिर मैं इसको करता हूँ वन जीरो 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 वन वन। ओके, और फिर मैं इसका सम करता हूँ, तो ये मेरा हो जाएगा जीरो ये मेरा फिर वन हो जाएगा वन जीरो 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 वन जीरो। ओके, वो एक्चुअली एडिटर का इशू है, इसलिए डोंट वरी, आप कन्फ्यूज नहीं कि मैंने जैसे क्यों सबमिशन किया। और फिर मैं इसकी बात करता हूँ, ये मेरा कैरी है। ओके, तो ये मेरा जो है ये मेरा कैरी है, मैं इसको लिख देता हूँ एडिशन। ओके, ऐड। ये ऐड है, ये इसका समेशन और ये कैरी है। इसके साइड में कैरी लिख देता हूँ, ये जो ब्लॉक है ये मेरा कैरी है, कैरी। ओके, अब फाइनली कैरी होता क्या है? ये मेरा कैरी है, मैंने बता दिया है। लास्ट कैरी आउट, सेकंड है प्रिटी फ्लैग। ये क्या होता है? प्रिटी फ्लैग इट इज सेट इफ द रिजल्ट
रिजल्ट हैज गिवन प्रिटी इफ प्रिटी इज ऑड. ओके, और ये फिर फाइनली क्या करता है, ये पी एफ इज रिसेट रिसेट कर देता है. ओके ये अब हम इसकी बात करते हैं. थर्ड है हमारा, ये प्रिटी फ्लैग क्या करता है, ये इवन और ओड के कॉन्सेप्ट से चलता है. ओके थर्ड है हमारा, हम थर्ड की बात करते हैं. थर्ड हमारा एक्सिलरी फ्लैग, ये क्या करता है, ये एवरी थर्ड बिट कैरी. अब इसका मतलब क्या हुआ, ये जो है, ये जो कैरी है, ओके ये जो कैरी है थर्ड, मैं इसकी बात कर रहा हूँ जिसको मैं इंडिकेट कर रहा हूँ. ओके ये एवरी थर्ड विड कैरी कॉल टू एक्सिलरी फ्लैग. ओके अब जीरो फ्लैग की हम बात करते हैं. जीरो फ्लैग क्या होता है, इट इज सेट इफ द रिजल्ट जीरो, रिजल्ट जीरो. नेक्स्ट हमारा, हम फाइव की बात करते हैं. फाइव हमारा साइन फ्लैग. अब ये साइन फ्लैग करता क्या है, जो हमारा साइन फ्लैग होता है वो जो रिजल्ट को सेव करता है, रिजल्ट आर सेव नेगेटिव एंड पॉजिटिव, नेगेटिव एंड पॉजिटिव. ओके इस फॉर्मेट में करता है, लाइक वन नेगेटिव एंड जीरो पॉजिटिव. ठीक है अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की, टेफ फ्लैग. ये क्या करता है, जो टेफ फ्लैग होता है वो स्टार्ट सिंगल स्टेपिंग मोड, ये वन बाय वन प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है. और फॉर एग्जांपल मैं किसी प्रोग्राम्स की स्टेटमेंट की बात करूं और वो मूव वन बाय वन को करता है, पहले वन कंडीशन को देखा, फिर दूसरे कंडीशन को, फिर थर्ड कंडीशन को. ओके वन बाय वन कॉल टू ट्रैप फ्लैग. अब हम बात करते हैं नेक्स्ट फ्लैग की. नेक्स्ट हमारा है इंटरप्ट फ्लैग. इंटरप्ट फ्लैग क्या करता है, जो हमारा इंटरप्ट फ्लैग होता है, कोई भी स्टेटमेंट की बात करते हैं, जैसे कि आप इंटरप्ट, इसकी हम बात करते हैं कॉल टू इंटरप्ट, इंटरप्ट फ्लैग. ओके और हम अब नेक्स्ट की बात करते हैं, डीएफ फ्लैग. डीएफ फ्लैग है क्या, डीएफ फ्लैग करता क्या है, इफ दिस फ्लैग इज सेट एस आई एंड डी आई. एस स्टैंड फॉर सोर्स इंडेक्स, डी आई स्टैंड फॉर डेस्टिनेशन, आर इन ऑटो डिक्रीमेंट
डिक्रीमेंटिंग मोड इन स्ट्रिंग ऑपरेशन। ओके, फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ कोई स्टेटमेंट की, जैसे मेरे पास मूव है, मूव फॉर एग्जांपल, और ये इसके अंदर एएल रजिस्टर के अंदर, सॉरी डेटा डेटा रजिस्टर, एनीथिंग कोई भी रजिस्टर यूज़ कर सकते हैं, कॉमा हेलो हेलो स्ट्रिंग। ओके, ये स्टेटमेंट है, या फिर आप ये ना लिख के कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर लीजिए, आप डिफाइंड बाइट कर लीजिए और यहाँ पे आप मैसेज वन कर दीजिए, इस तरीके से स्टेटमेंट लिख लीजिए, कोई इशू नहीं, ठीक है। तो ये फाइनली सोर्स और डेस्टिनेशन का कॉन्सेप्ट चलता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की, ओवरफ्लो। ओवरफ्लो बेसिकली करता क्या है, ओवरफ्लो क्या करता है, ये क्या करता है, व्हेन रिजल्ट इज टू बिग टू फिट इन द डेस्टिनेशन। ओके, मैं बात करता हूं जैसे कोई 2 + 2 = 4, बट रजिस्टर का जो साइज है वो 5 है फॉर एग्जांपल, तो ये क्या हुआ, इस कंडीशन में ओवरफ्लो हो गया। ओके, तो ये हमारे कुछ फ्लैग्स थे जो कि हम असेंबली 8086 में पढ़ते हैं। तो फाइनली आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, व्हेन रिजल्ट इज टू बिग टू फिट इन द डेस्टिनेशन डेस्टिनेशन। ओके, तो ये तो हमारे फ्लैग हो गए जो कि हमें पढ़ना था, ठीक है। अब एक चीज मैं आपको और बता दूं कि ये जो फ्लैग है, इन फ्लैग को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, 2 पार्ट डिवाइडेड। ओके, अब ये कैसे डिवाइडेड किया गया है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले मेरा है स्टेट, स्टेटस फ्लैग। स्टेटस फ्लैग, अब इसके अंदर कुछ इस तरीके से हमारे फ्लैग्स हैं, मैंने इसको कॉपी करा, मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, डोंट वरी, कोई इशू नहीं है, और फिर मैं इसको यहाँ पेस्ट करता हूँ, ठीक है। ये जो मेरे हैं ये मेरे स्टेटस फ्लैग हैं, और सेकंड है मेरा, ये मेरा फर्स्ट है, हम सेकंड की बात करते हैं, सेकंड मेरा होता है कंट्रोल फ्लैग। जो कंट्रोल फ्लैग होता है वो एक्चुअली इनको ऑपरेट करता है, ठीक है, और स्टेटस फ्लैग यूजर यूज करता है। ओके, तो ये तो मेरे कुछ फ्लैग्स थे जो कि आपको मैं आगे असेंबली का जब प्रोग्राम्स बताऊंगा तो उसमें यूज होगा, और मैं आपको बताऊंगा कि इसका यूज कैसे होता है। ओके, तो सबसे पहले मैंने फ्लैग के बारे में बताया, फ्लैग क्या होता है, फिर टाइप ऑफ फ्लैग्स बताए मैंने, फ्लैग क्या होते हैं, उनके टाइप्स कितने होते हैं,
सबसे पहले मेरा कैरी फ्लैग होता है, प्रिटी फ्लैग होता है, एक्सिलरी फ्लैग होता है, जीरो फ्लैग होता है, साइन फ्लैग होता है, ट्रैप फ्लैग होता है, इंटरप्ट होता है। उसके बाद मेरा जो नेक्स्ट होता है वो डायरेक्शन फ्लैग होता है, और एंड मेरा ओवरफ्लो होता है, जो कि मैं, और इसको टू पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट स्टेटस फ्लैग के अंदर ये मेरे आते हैं, और सेकंड में कंट्रोल फ्लैग में मेरे ट्रैप फ्लैग, इंटरप्ट और डायरेक्शन फ्लैग आते हैं। ओके, तो मैं एक बार आपको ये एक्सेल शीट बता देता हूँ, दोबारा दिखा देता हूँ। ये फाइनली मैंने आपको बताया था कि इस फॉर्मेट में लिखते हैं। यू स्टैंड फॉर मैंने बताया था कि अनडिफाइंड होता है, और ये 0 to 15 यानी मतलब 16 बिट का रजिस्टर है। ओके, तो आप कंफ्यूज ना होइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, और मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में आपको जंप बताऊंगा और एरे बताऊंगा। ओके, थैंक यू।